स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। वे सभी अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने नहीं गए थे, उन्हें एक लास्ट चांस दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने का। तो अब एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनका कंप्लीट हो चुका है। तो आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है। दूसरी बात यह है कि प्रोविजनल लिस्ट जो जारी होगी उसमें कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है कि वो ज्वाइनिंग को लेकर कि आपको एक तरीके से फाइनल ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। और साथ ही हम बात करेंगे कि इसकी नई भर्ती जो आएगी वो कब तक आने का अनुमान है। तो इन सभी बातों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 341 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। तो इन्हें 6, 7 और 8 दिसंबर का समय दिया गया था। आज 8 दिसंबर है, तो इनके पास एक अंतिम समय था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने का। तो इनमें से कई अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया है। साथ ही अगर हम बात करें कि इसकी आगे की क्या प्रोसेस है, तो उसमें अगर हम बात करें तो इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि अब जो यहाँ पर अंतिम प्रोसेस बची है इसमें फाइनल रिजल्ट का आना बाकी है। और साथ में प्रोविजनल लिस्ट, तो आप सभी जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट के बाद भी प्रोविजनल लिस्ट जारी होती है। कई बार जो है फाइनल रिजल्ट और प्रोविजनल लिस्ट एक साथ भी जारी की जाती है। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है और प्रोविजनल लिस्ट है, ये आपको 25 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। यानी कि आने वाले 20 दिनों में आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है वो एक तरीके से यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग में है, यानी कि फाइनल रिजल्ट में शामिल होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी पोस्ट थे उसकी अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे, तो वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया है, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो वो फाइनल रिजल्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, तो उन्हें यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा। और जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में प्रोविजनल लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के 3 महीने में हो गया था। तो यहाँ पर कई अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे उनका रिजल्ट एग्ज़ाम डेट से पहले नहीं आ पाया, तो एक तरीके से उन्हें बाहर किया जाएगा। तो फिर भी उन्हें एक बार प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाता है जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी होती है। साथ में आजकल एक नई लिस्ट भी निकाली जाती है जिसमें कि एक तरीके से उन अभ्यर्थियों के भी रोल नंबर बता दिए जाते हैं जिन्हें कि यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट में कमी है और उसके चलते उन्हें बाहर किया जाता है। तो ये लिस्ट भी जारी होती है, एक प्रोविजनल लिस्ट भी जारी की जाती है जिनमें डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी होती है तो उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर वहाँ बताए जाते हैं। साथ ही उनके डॉक्यूमेंट में क्या कमी है वो भी आपको बताया जाएगा अगर आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाता है। तो यानी कि आपको जो फाइनल रिजल्ट और ये जो लिस्ट है ये आपको 25 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग में लगभग 1.5 महीने का समय लग जाता है, यानी कि एक तरीके से आपके जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो और ज्वाइनिंग जो होती है उसमें 1.5 महीने का समय आपको लगता है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी 2023 में देखने को मिलेगी, यानी कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ज्वाइनिंग है वो फरवरी 2023 में आपको मिल सकती है, जिस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस चल रही है उसके आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लगभग 30% सीटें रिक्त रह गई हैं। तो इन 30% सीटें यानी कि 3000 पद, साथ ही अभी प्रोविजनल लिस्ट में भी कई अभ्यर्थी जाएंगे, तो यहाँ पर लगभग 1000 के आसपास सीटें और खाली हो सकती हैं। तो लगभग 4000 सीटें, और इन जो पदों में कुछ और पदों को शामिल करते हुए यहाँ पर लगभग 5000 के आसपास पदों पर आपकी नई विज्ञप्ति जारी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रयास कितना है नई भर्ती को लेकर। अगर आप प्रयास करेंगे नई भर्ती के लिए तो यहाँ पर आपको लगभग 5000 पदों पर नई भर्ती देखने को मिल सकती है, और ये आपको जल्द देखने को मिलेगा। एक बार इनको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो उसके बाद आपकी नई भर्ती आ सकती है 5000 पदों पर। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होगा जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की थी लेकिन वो एक या दो नंबर से अगर यहाँ पे रह गए हैं। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे 1, 2 या 3 नंबर तक रह चुके हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया था 40 नंबर का वो नहीं ला पाए, लेकिन उनके 39, 38 नंबर तक भी थे। तो ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी, उन्हें वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ही बनना है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर नई भर्ती आती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपका जो भी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।